क्या बात कर रहे हो, आम के अंदर कुल्फी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना। बट अगर आपने अभी तक स्टफ्ड मैंगो कुल्फी नहीं ट्राई किया है तो सच में यार आप कुछ बहुत ही अच्छा मिस कर रहे हो। तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसे बनाना उतना ही आसान है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम 1/2 लीटर फुल फैट दूध ले लेंगे, फिर हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने देंगे और अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमें दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए, और बस बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और अगर आपको सिर्फ 10 रुपए की चीज से एकदम मजेदार सुपर टेस्टी चोकोबार आइसक्रीम भी घर पे बनाना हो तो रेसिपी लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से चेक कीजिए। और अब मजेदार आइसक्रीम घर पे बना के एंजॉय कीजिए। और ये लीजिए, बातों ही बातों में दूध की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी, 2 कुटी हुई इलायची और 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और 2-3 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और पता है आपको इस रेसिपी का बेस्ट पार्ट क्या है, कि आप एक ही साथ मैंगो कुल्फी और मलाई कुल्फी दोनों ही बना सकते हो। तो हुआ ना 1 तीर से 2 निशाने। तो अगर आपको मलाई कुल्फी बनाना हो तो इस मिक्सचर को आप फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए और बस मजेदार मलाई कुल्फी एंजॉय कीजिए। और मैंगो कुल्फी बनाने के लिए 2 अच्छे मीठे पके हुए आम ले लेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा कट करेंगे। और अब गुठली के साइड में हमें थोड़ी सी जगह बनानी है ताकि गुठली आराम से बाहर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, नाइफ से एकदम आराम से हल्के हाथ से गुठली के साइड में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। बट ये काम हमें बड़े ही आराम से करना है क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करोगे ना तो गड़बड़ी हो जाएगी और ये जो चाकू है वो आम के आर पार हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। फिर एक स्पून से गुठली को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और नीचे से भी आम को थोड़ा दबाएंगे ताकि गुठली आराम से बाहर आ जाए। अब जितना भी गुठली पे पल्प है ना वो सारा हम आम के अंदर डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और एकदम पैसा वसूल कुल्फी बने। और अब हम एक कोई से भी कटोरी या ग्लास ले लेंगे और उसमें आम को रख देंगे। अब जो हमने कुल्फी मिक्सचर रेडी किया है उसे आम में डाल देंगे और आम को पूरा ऊपर तक कुल्फी मिक्सचर से भर लेंगे। फिर इसे कवर करके 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब बस मजेदार मैंगो कुल्फी एंजॉय करो। और अगर आपको सिर्फ 3 चीजों से बिना व्हिपिंग क्रीम के मैंगो आइसक्रीम भी घर पे बनाना हो तो जो वीडियो स्क्रीन पे आ रही है उस पे क्लिक कीजिए और अब मजेदार आइसक्रीम और कुल्फी सब कुछ घर पे बना के एंजॉय कीजिए।